नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन क्लिक और इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। ये नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। बदमाशों एवं सटोरियों पर उज्जैन पुलिस का बुलडोजर लगातार चल रहा है। शुक्रवार को 10,000 के इनामी फरार सटोरियों के दो अवैध मकान तोड़े गए हैं। पुलिस ने कहा, काली कमाई से बनाए गए मकान किए जाएंगे जमींदोज। इनामी सटोरी रवि पमनानी का अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने पमनानी के तिरुपति और पटेल नगर स्थित दो मकानों को ध्वस्त किया। इस फरार आरोपी के अब तक 7 मकानों को जमींदोज किया गया है। पुलिस का कहना है कि काली कमाई से जो भी निर्माण किए गए हैं वह सब इसी तरह जमींदोज किए जाएंगे। जो सट्टे का आरोपी है रवि पमनानी, उनके जो भी अवैध निर्माण हैं और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इस कारोबार के तहत बनाई है, उनको सबको डिसमेंटल किए जाने की कार्रवाई कई समय से चल रही है। तो आज जो उनका एक तिरुपति एवेन्यू स्थित मकान था, जो 10 फीट लगभग अवैध रूप से बना था अनधिकृत तरीके से, जिसे नगर निगम की टीम और पुलिस की ने टीम बनाकर उसे ध्वस्त किया। और जो गणेश टेकरी स्थिति है, जो पटेल नगर में मकान है, ये पूरा ही मकान अवैध रूप से बनाया गया है, तो उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक कितने मकान टूट चुके हैं? ये दोनों को यदि मिला लिया जाए तो उनके साथ प्रॉपर 7वीं प्रॉपर्टी है ये, जिसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। इनके कितना मकान चिन्हित किए गए थे और उसमें कितना भी शेष कार्रवाई होने वाला? ये जो अभी तक जो पुलिस की जानकारी में है, ये आखिरी जो दो मकान थे जिन पर कार्रवाई की जा रही है, और भविष्य में जाँच जारी है। यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो इलीगल अवैध तरीके से उनके द्वारा अर्जित की गई है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पदस्थ कर्मचारी से रिश्वत लेना हाउसिंग बोर्ड के बाबू को महंगा पड़ गया। आरोपी बाबू ने मकान के नामांतरण के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शुक्रवार को आरोपी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। देवास निवासी राहुल दांगी, जो देवास में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में कार्यरत हैं, ने जवाहर नगर देवास में एक मकान खरीदा था। उसके नामांतरण के लिए आवेदन करने पर हाउसिंग बोर्ड उज्जैन के बाबू बाल मुकुंद मालवीय ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस को की, जिसकी पुष्टि होने पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ा है। क्या मांग की थी आदमी साहब आपने? आपकी क्या मतलब, इनकी क्या मांग थी? मांग 20,000 रुपये थी, 15 पे आया गया। फिर 15 के बाद में मैंने बोला कि 5,000 दे पाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। फिर इन्होंने कहा कि 10,000 तो लगने के 10 पे हमारी डील हुई थी। तो इन्होंने आज को बुलाया था, बोले कि आज आप आया ना और मैं आपका काम कर दूँगा। क्या क्या काम करवाना था? नामांतरण करवाना था। मैंने तीसरे महीने से आवेदन दिया था, मैंने काफ़ी चक्कर कटाया था। तो मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा आप करना, तो फिर मैंने उनके द्वारा मार्गदर्शन पर सारा काम किया। मेरा नाम राहुल दांगी। ये राहुल दांगी आवेदक है, जो देवास में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में ही ये चपरासी के पद पर हैं। इनके द्वारा 5 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन किया है कि इनके जो EWS का जो 48 नंबर का जवाहर नगर देवास में मकान खरीदा था, उसका नामांतरण कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड के जो बाबू हैं बाल मुकुंद मालवी, उनके द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है, जिसमें सत्यापन मूल निरीक्षक द्वारा कराया गया था, जिसमें से 10,000 रुपये लेकर आज उन्होंने बुलाया था। तो आज उनके कार्यालय में ही 10,000 रुपये लेते हुए बाल मुकुंद मालवी को पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। छिंदवाड़ा से दर्शन करने आए श्रद्धालु से शिप्रा नदी की पार्किंग में बदमाशों ने मोबाइल छीना, कवर में रखे 5,000 भीग गए।
शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले के पाडूना तहसील से महाकाल के दर्शन करने आए रहने वाले श्रद्धालु शिप्रा नदी की कार पार्किंग में कार के पास खड़े थे। इस दौरान पहले से रेकी कर रहे बदमाशों ने श्रद्धालु से मोबाइल झपटा और फरार हो गए। मोबाइल के कवर में करीब 5,000 रुपये नकद भी रखे थे, वह भी बदमाश ले गए। श्रद्धालु ने महाकाल पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। सर हम लोग पांडुना अपने एमपी से पांडुना से आए हुए थे सर। यात्री लोग हैं, हर साल यात्रा पे आते हैं। आके हम लोग वहाँ पार्किंग स्थल पे रुके हुए थे सर। बाकी हम लोगों के साथ के सब लोग गए दर्शन करने, हम 4-5 लोग वहीं थे। वहाँ सुबह से ही बहुत से लड़के लोग घूम रहे हैं और वो पता नहीं बहुत देर से नज़र में था, एकदम वो आया और उन्होंने मोबाइल छीना और भाग लिया। एक आदमी उसका मोटरसाइकिल में आगे रुका हुआ था, हम लोग दौड़े जब तक वो बाइक से निकल गए। चल रही थी जो पेमेंट पानी था वो भी मोबाइल में रखा हुआ था। अभी सामने फिलहाल कंडीशन है कि यात्री के पास 1 रुपये नहीं बचा, 5,000 रुपये थे उसके उसी में चले। पार्किंग करी थी, ये पार्किंग कौन सा एरिया है वहाँ पर लगी हुई सर? वो गोल ग्राउंड जो है वो कोई ब्रिज छिपरा के किनारे पर है सर। क्या नाम है आपका? चंचलेश सूर्यवंशी। बाबा महाकाल को जल चढ़ाने उत्तम स्वामी जी के नेतृत्व में कावड़ लेकर निकले हजारों श्रद्धालु। बोलबम के घोष से गुंजी महाकाल की नगरी। पिछले 15 वर्षों से समर्पण कावड़ यात्रा महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के नेतृत्व में त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर से निकाली जाती है। इसी क्रम में आज भी कावड़ यात्रा त्रिवेणी से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां कावड़ियों ने बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा में श्रद्धालु बोलबम के नारों के साथ बाबा के जयकारे लगाते हुए निकले। 10 किलोमीटर लंबी यात्रा में पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। वाले के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में प्रकरण दर्ज हुआ है। श्वान को देर रात लाठियों से जमकर पीटा था आरोपी ने। एक श्वान को देर रात को लाठी से बुरी तरह पीटने का वीडियो भी सामने आया है। लकड़गंज में रहने वाली नजमा खान के अनुसार देर रात करीब 2:30 बजे कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आई। बाहर देखा तो पड़ोस में रहने वाले मुकेश रायकवार डंडा लेकर पालतू श्वान को बुरी तरह मार रहा था। श्वान का सरकारी अस्पताल उज्जैन में इलाज करवाया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत श्वान के साथ मारपीट करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें 13 तारीख को फरियादिया ने थाने पर रिपोर्ट की थी कि उनका एक पालतू कुत्ता था जो मोस्टली घर के बाहर बैठा रहता है, तो उस कुत्ते को उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा, आरोपी द्वारा निर्दयता पूर्वक डंडे से मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। तो इस सूचना पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है आरोपी के विरुद्ध। इसमें अब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आरोपी के संबंध में, उसके विरुद्ध इसमें माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे विवेचनापूर्ण कर। ये निजातपुरा का मामला है, चरक हॉस्पिटल के पीछे का जो एरिया है, लकड़गंज जिसको बोलते हैं, बमनवाड़ा वहाँ। अब वक्त है संक्षिप्त में गतिविधियों का। गर्मी से लेकर अभी तक पीएचई द्वारा कई बार मेंटेनेंस के नाम पर उज्जैन शहर में जल सप्लाई बंद की गई। हर माह पीएचई द्वारा कोई न कोई कारण बताकर उज्जैन शहर का जल प्रदाय रोक लेना ठीक नहीं है, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, यह बात इंदिरा नगर युवा विकास समिति वार्ड 5 के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने कही। बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले नागदा निवासी आरोपी हटे सिंह को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में थाना नागदा में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बने रहिए न्यूज़ 1 क्लिक के साथ।